अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल नंबर 6, चैप्टर नंबर 2, क्लास 9, फिजिक्स है, कैपके बोर्ड वाली। ठीक हो गया। इसमें हम पढ़ने वाले न्यूमेरिकल। अब सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा निकालेंगे। विद व्हाट स्पीड मस्ट ए बॉल बी थ्रोन वर्टिकली। वर्टिकली बोले तो ऊपर की तरफ, ठीक है। मतलब ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड तो किसी ग्राउंड से किसी एक बाल को वर्टिकली क्या किया गया है, ग्राउंड से क्या किया गया है, थ्रो किया गया। यदि ये ग्राउंड है तो इस ग्राउंड से ऊपर की तरफ बाल को क्या किया गया, फेंका गया। जब आप ग्राउंड यानी कि अर्थ, ग्राउंड क्या मतलब है, अर्थ, अर्थ से कोई बाल अपोजिट थ्रो करते हो या टुवर्ड्स द अर्थ थ्रो करते हो, मीन्स टुवर्ड द ग्राउंड थ्रो करते हो, इसका मतलब ये है कि वहां पे एक एक्सेलरेशन आएगा, वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी करके। और जी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये एक्सेलरेशन तब आता है जब बॉडी टुवर्ड द अर्थ फ्लो मूव करे या अर्थ से अवे मूव करे। यदि ये सिचुएशन रहती है तो आपके पास एक्सेलरेशन ए नहीं बनता, क्या बनता है, जी बनता है। यानी ए ही किसकी इक्वल होता है, जी के इक्वल। ये बात समझ आप। अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी बदलेंगे, क्या होगी, बदलेंगी। ए की जगह हम क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। यानी कि वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी होगा। ए टी होती है लेकिन अब हम क्या लिखेंगे, जी टी। बिकॉज हम जब अर्थ को ग्राउंड की बात करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ए की जगह क्या आ जाता है, जी। जिधर एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ए टी स्क्वायर होता था, जी टी स्क्वायर। इसी तरह 2 जी एस इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर होता है। ये बात समझिए। अब देखें कौन सी इक्वेशन लगेगी, ये हम डिसाइड करेंगे डेटा निकालने के बाद। बात समझे कि नहीं समझे, डेटा निकालो जी। क्या दिया हुआ है, विद स्पीड हमें स्पीड चाहिए, वी आई चाहिए होगी, क्या चाहिए होगी, वी आई। यानी कि कितनी स्पीड से इधर से ऊपर फेंका गया, इधर से ऊपर किसी को कोई बर्तन फेंकेगा तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी ना। आप कोई चीज ऊपर फेंकते हो तो वो उसको किसी स्पीड से ऊपर फेंक रहे होते हो, वो क्या स्पीड होगी जिससे उसने उस बाल को ऊपर फेंका हो। बात समझे कि नहीं समझे, जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर जाके किसी एक खास जगह पे जाके थोड़े टाइम के लिए उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, जीरो रहती है। क्या होती है, जीरो। यानी वीएफ इसकी क्या होगी, जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो। हम यहां से यहां तक शामिल कर रहे हैं, वापस नीचे आने की बात नहीं कर रहे। बात समझिए, तो हमें वी आई फाइंड करना है, लेकिन दिया हुआ क्या है, वीएफ दिया हुआ है जो कि जीरो है, जीरो मीटर पर सेकेंड। बात समझिए। और थ्रोन नहीं समझाई, फिर से देखो, नहीं समझाई ना। मैं क्या कह रहा हूं कि कोई एक बाल है जिसको विद व्हाट स्पीड, किस स्पीड से फेंका गया है, मस ए बाल थ्रोन वर्टिकली ऊपर की तरफ, जबकि उसको ऊपर की तरफ कोई भी चीज फेंकते हैं तो उसको कुछ ना कुछ स्पीड से फेंक रहे होते हैं, कोई ना कोई स्पीड दे रहे होते हैं। तो मैं यहां कुछ ना कुछ स्पीड दे रहा हूं। अब ये मैं स्पीड दे रहा हूं तो इसको क्या स्पीड दूंगा, क्या स्पीड मैंने इसको दी, ये चीज मैंने पता कर ली है। और एक चीज हमें पक्का पता है, कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो यहां जाके थोड़े टाइम के लिए क्या हो जाती है, रुक जाती है। थोड़े टाइम के लिए रुकना मतलब रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल टॉप पे जाके क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो टॉप पे जाके रुकती है फाइनल पे, तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी। तो शुरू की वेलोसिटी मैंने मालूम कर ली है, शुरू की वेलोसिटी मैंने क्या कर दी है, मालूम कर दी है। आखिर की वेलोसिटी, टॉप की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी, जीरो। तो मैंने इसलिए वीएफ क्या रखी, जीरो। मैंने यहां पे लिखा है वीएफ जीरो है, तो वीआई मैंने क्या करनी है, मालूम करनी है। यानी कि टू फाइंड ले लिखेंगे, फाइंड क्या करना है, वीआई फाइंड करना है। एक और चीज, क्या जी एक्सेलरेशन है हमारे पास, है, बिल्कुल है। क्या एक्सेलरेशन, क्योंकि आप ऊपर फेंक रहे हैं तो एक ही जगह क्या आ जाता है, जी आ जाता है। वो है आपके पास कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राउंड से ऊपर कितना गया, मैक्सिमम हाइट आप 50 मीटर, 50 मीटर ऊपर हाइट, h कितना ऊपर गया है, 50 मीटर।
यही एज असल में आपका डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस है। जब भी आपके पास कोई चीज जमीन के ऊपर ट्रेवल करे, इधर से इधर मूव करे, तो वो डिस्टेंस होता है। नीचे से ऊपर जाए तो वो हाइट होती है। क्या होती है? हाइट होती है। तो हाइट हमने असल में डिस्टेंस है हमारे पास। क्या है असल में? हाइट डिस्टेंस है। असल में हाइट क्या है? डिस्टेंस है। हाइट जो है डिस्टेंस है। अब हमारे पास देखिए कौन सी इक्वेशन लगेगी। पहले लग सकती है क्या? नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि पहले में टाइम है। टाइम हमें दिया हुआ नहीं है इस न्यूमेरिकल के अंदर। कहीं पढ़ के देखो, कहीं पढ़ के देखो, टाइम की बात नहीं की इसने। अच्छा जी, दूसरी क्या लग सकती है? नहीं लग सकती है। दूसरी में फिर वही मसला है। क्या मसला है? टी नहीं है, तो लिहाजा तीसरी लगेगी। और तीसरी में हमने एक ही जगह जी पुट करना होगा, क्योंकि ये जो है कोई भी बॉडी जमीन की तरफ मूव करे या जमीन से दूर जाए तो एक ही जगह क्या आ जाता है? जी आ जाता है। यूजिंग थर्ड इक्वेशन आप क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यही बात है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या है? 2gs equal to vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। तो 2g की जगह क्या लिखेंगे? 9.8। अब एक और बात याद रखनी है, जमीन से अगेंस्ट जा ऊपर जा ऊपर तो माइनस है। क्या आएगा? माइनस आएगा। ये बात समझ आई? यस सर। जमीन से ऊपर जाएगा क्या आएगा? माइनस माइनस 9.8। बात समझ आई कि नहीं? अगर जमीन की तरफ आता है तो प्लस हो जाता है। एस क्या है? एस एच है। एस क्या है? एच वो 50 है। बात समझ आई? ऊपर वी आई क्या है? जीरो। जीरो का स्क्वायर। वी आई क्या है? मालूम करना है। यहां तक हमको समझ आई बात? ऊपर जाके माइनस में और नीचे आके पूछा, ये बात समझ आई? अब आपने क्या क्या मल्टीप्लाई करना है? 2 और 50 को मल्टीप्लाई करें। 250 250 क्या हो जाएगा? 100 और ये माइनस 9.8 इक्वल टू ये 0 का स्क्वायर 0। तो यहां सिर्फ आएगा माइनस वी आई का स्क्वायर, माइनस वी आई का स्क्वायर। यहां तक बात समझ आई क्या? अब देखना क्या है, यहां से देखना हम ये है कि माइनस वी आई का स्क्वायर बराबर आया है 100 मल्टीप्लाई माइनस 9.8 के। माइनस और माइनस का कम कर सकते हैं, ठीक होगी? यस सर। तो वी आई का स्क्वायर इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 9.8 करेंगे क्या आता है? हां लगभग आएगा। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। आप इसको 98 समझे, क्या समझे? या इस तरह से ये 100 है, ये 9.8 लिख दो, इस पॉइंट की जगह 1 और आगे 0 लिख सकते हैं। बात समझे? ये और ये 0 कट गए, तो VI का स्क्वायर इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 98। 10 मल्टीप्लाई 98 करेंगे क्या आएगा? 980 आ जाएगा, 280 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 980। आपने स्क्वायर करना होगा 980 का। क्या करना होगा? स्क्वायर 980 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। जब 980 का स्क्वायर करोगे तो VI क्या आएगा? देखना VI यहां से कट जाएगा। 980 का स्क्वायर करना है 980। इसका तरीका क्या है? कैलकुलेटर में फाइंड करें, जो आएगा वो आपका आंसर हो। नहीं तो आप डायरेक्ट और तरीके से भी कर सकते हो इसको, स्क्वायर रूट को हल करने का तरीका। कैसे करेंगे इसको? हम डिवाइड करेंगे 2 से। किससे? 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे, वही हमारा क्या होगा? आंसर आएगा। वही क्या आएगा? आंसर आएगा। नहीं तो आप इस तरह करें, नहीं तो आप क्या करें, इस तरह करेंगे कि हम 98 के 980 के फैक्टर बनाएंगे। सही है? 980 के फैक्टर इसको मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर में करें तो आपका लगभग आंसर आएगा। इससे लंबा पड़ जाएगा इसलिए मैं डायरेक्ट बताता हूँ, 23 आता है, ऐसा समथिंग आता है। आंसर क्या आता है? अब इसका स्क्वायर रूट निकालें तो वो आएगा आपके पास 31.30 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है, यानी कि इसको शुरू में इनिशियल इलास्टी 31.30 दी होगी, तब ये क्या कर गया? ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है? यानी कि यहाँ से ये बार ऊपर जा रहा था। क्या जा रहा था? ऊपर। आप थ्रो कर रहे थे तो इसको कितनी इलास्टी थी? 31.30।
ऊपर जाके वही 31.30 क्या होगी, जीरो थर्ड टाइम की इनिशियल वेलोसिटी, इसको ऊपर फेंकते वक्त यहाँ से जो मिल रही थी वो 31.30 थी, तो हमने फाइंड कर दी। तो उम्मीद करता हूँ हमारे न्यूमेरिकल्स हो गए समाप्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह।